वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, देखिए पहली बारिश से कितनी बहार आ गई है। बहुत अच्छे फ्लावर खिलने लगे हैं और जो मैं प्लांट लेकर आई हूँ वो रेड लिली का है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था कि मैं अपडेट दिखाऊंगी येलो नरगिस की। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें बर्ड्स बन गई हैं, अभी इनमें ब्लूमिंग नहीं हुई है और धूप निकलेगी तो ब्लूमिंग भी होने लगेगी। एक फ्लावर खिला था तो उसमें देखिए ये सीड पॉड बन गए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे हैं। आज मैं येलो रेड लिली की ही केयर आप लोगों से शेयर करूंगी। इसकी वैरायटी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत शेड में आती है रेड लिली, लेकिन मेरे पास मेन तीन कलर हैं इस टाइम। ये पिंक कलर है और वाइट कलर है, येलो कलर है। देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो गई है पहली बारिश में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की हम बात करेंगे। नॉर्मल गार्डन सॉइल में जो है वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद एक हिस्सा, और ज़्यादा इसमें बालू हम मिलाएंगे, क्योंकि इसके लिए मिट्टी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि बल्ब जो इसके हैं वो अच्छे से ग्रो हों, फैल जाएं, तो बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग भी आएगी। जितने बल्ब ग्रो करेंगे उतनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग होगी। और दूसरी बात है कि अगर हम इसको लगाते हैं कहीं पर तो फैली चीज़ में लगाएं। ये देखिए मेरे ग्राउंड में लगे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, और बारिश के पानी से ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करने लगता है। और इसको कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ना फर्टिलाइज़र कोई ख़ास। बारिश होगी तो अपने आप इसमें ब्लूमिंग होने लगेगी। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड में मेरी लगी हुई है रेड लिली, तो इसमें देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और वाटरिंग की अगर हम बात करें तो बिना सीज़न के इसमें पानी तो देना ही पड़ता है, नहीं तो बल्ब हमारे सूख जाएंगे। लेकिन रेड लिली को लगाने के लिए ख़ास बात यह है कि इसके बल्ब हम किसी फैली चीज़ में ग्रो करें। जितनी फैली चीज़ में ग्रो करेंगे उतने ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा इसके कोई ख़ास केयर टिप्स नहीं हैं, और ये रेनी सीज़न में तो अपने आप ही ब्लूमिंग होने लगती है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो तो खुद अपने में एक फर्टिलाइज़र होता है। और ये देखिए एकदम से जैसे ही बारिश हुई तो बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होने लगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।